इंतजार के बाद इस बार मुरादाबाद की धरती पर असदुद्दीन ओवैसी का उड़न खटोला उतर चुका है। जो लाखों की तादाद में जो पब्लिक आस लगाए बैठी थी, आज दूसरे चरण का प्रचार का आखिरी दिन है, 5 बजे प्रचार थम जाएगा और आज मुरादाबाद की धरती पर AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ ला चुके हैं, जो कि घंटों से इंतजार के बाद हजारों की तादाद में जो पब्लिक थी वो इंतजार कर रही थी कि कब ओवैसी साहब हेलीकॉप्टर के माध्यम से उड़न खटोले के माध्यम से मुरादाबाद की धरती पर उतरेंगे और यहाँ से हमको संबोधित करेंगे। इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी उधर स्टेज के माध्यम से लोगों को संबोधित कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो अपने वक्त में अलग अलग तरीके से भाषण देंगे और लोगों को वोट लेने की अपील करेंगे। इस वक्त उधर की विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो ये हेलीकॉप्टर है उतर चुका है और इसके बाद पब्लिक है जो हजारों की तादाद में जो पब्लिक पिछले कई घंटों से यहाँ इंतजार कर रही थी उनके इंतजार का वक्त खत्म हो चुका है। अब असदुद्दीन ओवैसी स्टेज के माध्यम से दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले सभी पार्टियों को यहाँ से टारगेट करेंगे, उनको यहाँ पर अपने जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम तस्वीरें देखते रहिएगा, आगे क्या कुछ होगा सब कुछ करते रहेंगे हमेशा। भरोसेमंद मलखान दवाखाना, हर बीमारी के इलाज के लिए संपर्क करें मलखान दवाखाना हकीम अनीस। जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नामर्दी, लाल पानी, सफ़ेद पानी, धात, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाएं सेहत बनाने के लिए दाद, गैस, तेजाब, औलाद का न होना भी इलाज किया जाता है।